गुड इवनिंग एवरीवन, मैं 2016 बैच पास आउट निकुल सौरभ और मैंने इस कॉलेज में सब चीज़ें की हैं जो मैंने सोची थी और जो नहीं सोची थी और मेरे खूब सारे दोस्त आ रहे हैं, मतलब अभी काफ़ी सब यहाँ बैठे हैं और मैं 2016 में वैंकूवर का हेड कोऑर्डिनेटर भी था और ऐसे और मैंने बीटीसी एलुमनाई के लिए प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए भी नॉमिनेट किया था खुद को, लेकिन वो किसी भी रीजन की वजह से नहीं हुआ। और एक्चुअली मैं राजू से बात कर रहा था तो काफ़ी जैसे आज सीनियर्स आए ही नहीं है, मुश्किल से 40-50 लोग आए हैं, तो अब लोग अपन हम सबको ऐसे कंसिडर करते हैं कि हम लोग बिल्कुल फ्री हैं और एक्चुअली ऐसा नहीं है कि और सब कितने दूर दूर से आए हैं। मैं खुद दिल्ली से आया हूँ, बाकी लोग कई बोझ बोल रहे थे MP से आए हैं और मेरे को यही बोलना है कि एक हम लोगों को पता ही नहीं है कि जैसे 2010 से पहले कौन से सीनियर पास आउट हो गए, हम उनको जानते भी नहीं है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि जिससे पता लगे। जैसे लिंक्डइन इतनी अच्छी चीज़ है प्रोफेशनल लोगों के लिए, आप लोग सब इतनी अच्छी पोजिशन पर काम करें, हम लोगों को पता ही नहीं है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिससे कम्युनिकेट कर सके। और मतलब सीनियर्स आजकल सिर्फ ऐसे ही नहीं तो गाइड कर सके अच्छे से, तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो अब इन लोगों को 10-10 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो ये लोग हमें अच्छे से गाइड करें और मतलब कि अपने आपस में कॉन्टेक्ट में रह सकें। बस मेरे को यही बोलना था, रात में उसने मेरे को बोला था कि बात करेंगे, तो थैंक यू सो मच।